तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, और ये उस वीडियो बनाने के दौरान हमने एक मोबाइल का ऑर्डर किया था, और उस मोबाइल का जो है आज अनबॉक्स करने वाले हैं, और उसका पूरा डिटेल्स हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मोबाइल कैसा है, अच्छा है तो भी बताइएगा, अगर अच्छा नहीं है तो भी बताइएगा, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए इसको हम खोल के देखते हैं। तो ये पैकेट के साथ ये आप देख पा रहे हैं, इसका पूरा एड्रेस भी दिया हुआ होता है, जिस नंबर मतलब जिस एड्रेस पे हमने मंगवाया था वो एड्रेस भी दिया हुआ होता है, और आपका नाम भी दिया हुआ होता है। तो चलिए इसको हम खोल देते हैं। फ्रेंड्स, इसका मैं जो पैकिंग है वो पहले काट लिया था ताकि टाइम ना लगे खोलने में। तो चलिए आप देख पा रहे हैं ये पैकेट, ये जो पेटी है इसको हम साइज कर देते हैं, और इसके अंदर एक पेटी और है, ये देख पा रहे हैं आप। तो इसके अंदर मोबाइल है, ये देखिए, तो इसको भी हम साइड कर देते हैं, और इसमें ये देखिए, ये जो है मोबाइल का पैक है। तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें 4.49 सेंटीमीटर का डिस्प्ले है, और इसमें आपको मिल जाता है FM रेडियो, और 2500 mAh का बैटरी मिल जाएगा आपको, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, डिजिटल कैमरा है, वीडियो म्यूजिक प्लेयर भी मिल जाएगा इसमें, और 2 SIM इसमें लगा सकते हैं, ब्लूटूथ भी है, और टॉर्च भी इसके साथ में है। तो चलिए इसका अनबॉक्स हम करते हैं। तो बाहर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, तो चलिए देखते अंदर क्या है। और इस मोबाइल का मॉडल नंबर है, ये आप देख पा रहे हैं X380, जो कि एक कीपैड मोबाइल है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं, कुछ इस प्रकार दिखाता है आपको। ये देखिए मोबाइल रखा हुआ है, ये पन्नी से निकालते हैं। ओह, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और बहुत हल्का भी है। ये देखिए एक स्टिकर लगा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और देखते हैं अंदर क्या क्या है। वाओ, ये देखिए बैटरी, मेरे हिसाब से आप 15 दिन में भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी बैटरी है ये। तो चलिए और क्या क्या है इसमें देखते हैं। एक पन्नी और दिखाई दे रहा है इसमें, ये देखिए इसके अंदर चार्जर है, बस एक चार्जर है, और एक डायरी है, छोटा सा कागज़, इसमें मोबाइल के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा, बस और कुछ नहीं है, डब्बा खाली है। और चार्जर भी देखने में बहुत अच्छा है, पर छोटा है, और इसको हम साइड कर देते हैं, और इसको जो है हम खोलते हैं। खोल के इसमें बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगा के आपको दिखाते हैं इसका डिस्प्ले कैसा है। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद स्विच ऑन करते हैं, तो ये देखिए स्विच ऑन हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखा रहा है आपको, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें 2 SIM लगाया जाएगा। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा मोबाइल है। तो आप कमेंट करके बताइए ये मोबाइल आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए साइड में लाल है, और इधर ये देखिए टॉर्च का बटन कौन सा है देखूं। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। और इधर कोई बटन नहीं है, इधर टॉर्च है, इधर भी कोई बटन नहीं है। इधर आपको लीड लगाने के लिए एक पिन मिल जाएगा, और इधर चार्ज कर सकते हैं, और जो है इधर स्पीकर है, हाँ इधर जो है गाना सुनने के लिए स्पीकर लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा मोबाइल है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि ये मोबाइल आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।